क्या KGF पार्ट 1 के जैसे ही पार्ट 2 में भी हमें देखने को मिलेगा आइटम सॉन्ग? KGF चैप्टर 1 में आइटम सॉन्ग को किसने परफॉर्म किया था? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, KGF फिल्म ने लोगों पर क्या प्रभाव छोड़ा था, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। जी हाँ, ये फिल्म जितनी पॉपुलर हुई थी उतनी ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों को इसी वजह से इसके सेकेंड पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि कभी किसी फिल्म की स्टोरी लाइन लोगों को दीवाना बना देती है, तो कभी उस स्टोरी लाइन के पीछे छुपा हुआ कास्ट। पर आज हम अगर किसी चीज की बात करेंगे तो वो है KGF के गानों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, KGF को इन टोटल 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था और इसका एक आइटम नंबर काफी पॉपुलर हुआ था, जिसे डांस सीक्वेंस परफॉर्म करते हुए नजर आई थी मोनी रॉय। इस गाने का नाम था गली गली और इस गाने में मोनी रॉय के साथ यश ने भी एक डांस सीक्वेंस परफॉर्म किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फिल्म क्योंकि एक हिंदी डब लैंग्वेज में थी, तो इसके साउथ वर्जन के आइटम सॉन्ग को परफॉर्म किया था तमन्ना भाटिया ने। और जब इस गाने को लोगों का भरपूर प्यार मिला तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि हिंदी वर्जन में भी एक आइटम सॉन्ग को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद ये फाइनलाइज किया गया कि इस आइटम सॉन्ग को परफॉर्म करेगी मोनी रॉय। गली गली बेसिकली एक पुराने हिंदी फिल्म के गाने का रीमेक था। जी हाँ, 1989 में फिल्म आई थी त्रिदेव, जिसमें जैकी श्रॉफ और संगीता बिजलानी नजर आए थे, तो उसी फिल्म में एक गाना था गली गली और उसी का रीमेक था इसका न्यू वर्जन। जिस तरीके से KGF के साउथ वर्जन के तमाम गानों को लोगों ने बेहद पसंद किया, तो उसी तरीके से इसके हिंदी गानों को भी लोगों का भरपूर प्यार मिला। कई महीनों तक गली गली चार्ट बस्टर्स की लिस्ट में बनी रही। अब बात करें KGF के सीक्वल KGF 2 की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, KGF 2 में भी आपको एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग देखने और सुनने को मिलेगा। वेल, कौन परफॉर्म करेगा इस आइटम सॉन्ग को, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। KGF 2 से जुड़ी तमाम डिटेल्स हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सके।